दिया था, क्योंकि आपकी आवाज को उठा रहे थे, समाजवादी पार्टी के राजकता के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी, और आतंकवादियों पर मुकदमे जो थे उन मुकदमों को समाजवादी पार्टी समाप्त कर रही थी। आतंकवादियों ने कौन से ऐसे घटनाएं की थी यूपी में? उसमें सबसे पहली घटना थी अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला, रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमला, अयोध्या वाराणसी और लखनऊ की न्यायालय में हमला। बहनों और भाइयों, आस्था पर भी प्रहार हो रहा था और साथ साथ न्यायपालिका पर भी और सुरक्षा बलों पर भी, और समाजवादी पार्टी के लोग बेशर्मी के साथ इन आतंकवादियों के मुकदमों को वापस ले रहे थे। तब न्यायालय ने टिप्पणी की थी, न्यायालय ने कहा था, समाजवादी पार्टी के खिलाफ टिप्पणी की थी, कहा था आज आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लोगे, कल इन्हें पद्म पुरस्कार से नवाजोगे, देश के अंदर क्या संदेश जाएगा, आम जनता की सुरक्षा का क्या होगा? और बहनों और भाइयों, न्यायालय ने समाजवादी पार्टी को रोका था, जो आतंकवाद के समर्थक होंगे क्या आप उनको समर्थन देंगे? क्या उनको समर्थन देकर के पाप करेंगे, अपनी आने वाली पीढ़ी को और वर्तमान पीढ़ी को असुरक्षित करेंगे क्या? बहनों और भाइयों, एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यह कृत्य और दूसरी तरफ आतंकवाद मुक्त भारत। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय प्रदेश में दंगे होते थे, लगातार दंगे, हर दूसरे दिन दंगे, महीनों महीनों कर्फ्यू। 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा। और बहनों भाइयों, दंगा और कर्फ्यू की बात तो दूर, एक तरफ अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए और दूसरी तरफ जितने बड़े बड़े माफिया थे इनकी भी राम नाम सत्य है कि यात्रा निकल गई है ना। अब यही पीड़ा है समाजवादी पार्टी की। अभी सुब्रत पाठक कह रहे थे ना कि बाबूजी सरदेव कल्याण सिंह जी का पूरा जीवन प्रदेश के विकास के लिए समर्पित था, राम जन्मभूमि के लिए समर्पित था। उनकी मृत्यु हुई, समाजवादी पार्टी के लोगों ने एक भी शब्द संवेदना के व्यक्त नहीं किए। जबकि मुलायम सिंह जी की मृत्यु हुई थी, मैं स्वयं, मेरे प्रदेश अध्यक्ष, हम लोग उनके गांव गए थे, श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री थे। लेकिन सरदेव बाबूजी कल्याण सिंह जी का निधन हुआ, समाजवादी पार्टी ने एक भी शब्द नहीं व्यक्त किया। बहनों और भाइयों, वही अभी हाल ही में एक कुख्यात माफिया जो तमाम लोगों की हत्या का अपराधी था, उसकी मौत होती है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष वहां फतिया पढ़ने के लिए उसके घर जाते हैं। देखा ना आपने क्या हाल है इन लोगों के। यानी आपके नेता बाबूजी कल्याण सिंह जी दिवंगत हो जाए तो संवेदना के शब्द नहीं, एक माफिया मर जाए तो माफिया के मरने पर घड़ियाली आंसू बहाने के लिए जाते हैं, क्योंकि इन माफियाओं को पाला इसी समाजवादी पार्टी ने था, जो यहां के व्यापारियों के लिए, यहां के उद्यमियों के लिए, यहां के किसानों के लिए, यहां की बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा थे, वही माफिया और अपराधियों को ये लोग अपने गले का हार बना करके पूरे प्रदेश में तांडव मचाते थे। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं, मोदी जी ने विकास किया है, हाईवे, रेलवे, मेडिकल कॉलेज, आपके औरैया में भी मेडिकल कॉलेज बना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, देश के अंदर IIT, IIM, एम्स, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, इनका एक संचालन बिछा है। और समाजवादी पार्टी ने तो कन्नौज में बने हुए मेडिकल कॉलेज का ही नामकरण बदल दिया था। और तो हमने, जब मैं पिछले दिनों भी कन्नौज गया था, श्री सुब्रत पाठक, श्री मरुण, इन सब ने मुझसे कहा
कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे मेडिकल कॉलेज का नामकरण था, समाजवादी पार्टी ने हटाया है और बाबा साहब देश के संविधान के शिल्पी हैं, उनके नाम पे फिर से होना चाहिए। और बहनों और भाइयों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नामकरण फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज हो गया है। ये लोग किस नैतिकता से बात करते हैं? ये समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग किस नैतिकता से बात करते हैं? इनके समय में लोग भूखों मरते थे और इस समय 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ देश के अंदर प्राप्त कर रहे हैं। कांग्रेस और सपा के समय में लोग उपचार के अभाव में मरते थे, आज देश के अंदर बहनों और भाइयों 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश में तो हमने ऐसी व्यवस्था की है कि कोई व्यक्ति बीमार होता है, आयुष्मान का कार्ड नहीं है, तो बहनों और भाइयों हम उसको लोग कहते हैं कि भाई विधायक का, सांसद का, जिला पंचायत अध्यक्ष का या किसी कार्यकर्ता का पत्र नहीं है तो भी वो स्वयं भी मेरे पास पत्र भेजता है, तो हम उसको उपचार का खर्चा अपनी ओर से भेजते हैं। मैं कहता हूं जाओ उपचार कराओ, निश्चिंत होकर उपचार करना, चिंता मत करना, उपचार कराओ, क्योंकि सरकार आपकी है, सरकार आपकी देखभाल करेगी, क्योंकि हमारा नागरिक है, ये हमारा दायित्व है।